दोस्तों, भारतीय इतिहास के ऐसे राजा थे कि वो इतना ज़्यादा खूंखार हो चुके थे, हर किसी का सर धड़ से अलग कर देते थे, हर किसी को काट डालते थे। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सम्राटों का सम्राट अशोक सम्राट का। वो अपने पिता बिंदुसार के 100 पुत्रों में से एक थे। उनकी माता का नाम सुभद्रंगी के रूप में दिया गया है। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान शासक थे जिसकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती है। वह भारत के मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे, जिन्होंने 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक भारत के लगभग सभी महाद्वीपों पर शासन किया था। सम्राट अशोक को उनके अद्भुत साहस, पराक्रम, निडरता के वजह से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासन काल में अपनी कुशल कूटनीति का इस्तेमाल करके मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। इतिहास में अगर हम देखें तो उनके जैसे निडर सम्राट न कभी हुआ न शायद कभी होगा। उनके रहते हुए मौर्य साम्राज्य पर कभी भी कोई विपत्ति नहीं आई थी। फिर एक ऐसा दौर आया जिसमें सबको हिला के रख दिया था। तकरीबन 261 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग पर आक्रमण कर दिया और उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा भी युद्ध हुआ था जिसने न केवल राजा बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी थी और लोगों को युद्ध से हटकर शक्ति के रास्ते पर चलने की एक नई सोच दी। जैसे कि हम जानते हैं कि हर युद्ध में किसी का हार तो किसी का जीत होता है, लेकिन हार जीत के बीच कई हजारों लोगों का मौत भी हो जाता है और कई लाख लोगों की जिंदगी भी बदल जाती है। लेकिन कलिंग युद्ध को इतिहास का एक ऐसा भी युद्ध माना जाता है जिसमें कई लाख लोगों सैनिक की जान चली गई। इतिहास के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक और राजा अनंत के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध इतिहास का सबसे खतरनाक और दर्दनाक भी हुआ था। यह युद्ध अत्यंत विनाशकारी युद्ध था जिसमें लाखों बेकसूर और मासूम लोगों को मौत का घाट उतार दिया था। और ऐसा माना जाता है कि कलिंग अभी ओडिशा राज्य में स्थित है और उस समय यह बहुत शक्तिशाली और समृद्ध क्षेत्र भी था जहाँ पर लोगों के बीच आपसी प्रेम भाईचारा था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य के अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए कलिंग को जीतने की कोशिश की और ऐसा कहा जाता है कि कलिंग को जीतने के लिए नाकामयाब हुए। इसलिए कलिंग को जीतना सम्राट अशोक के लिए काफी महत्वपूर्ण था। कलिंग का युद्ध होने का यह भी कारण बताया जाता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग के शासक राजा अनंत को एक पत्र भेजा था जिसमें सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य को मौर्य साम्राज्य में मिलाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस प्रस्ताव को कलिंग के राजा अनंत द्वारा इनकार कर दिया गया था। जिसके बाद सम्राट अशोक ने राजा अनंत के खिलाफ अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध करने का फैसला लिया। इस तरह सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत के बीच यह महायुद्ध छिड़ गया था। कलिंग जैसे महान विनाशकारी और युद्ध में लाखों बेकसूर महिला बच्चे का मौत हो गया। सम्राट अशोक ये सब देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कभी भी युद्ध ना करने का फैसला लिया। सम्राट अशोक ने इस युद्ध के बाद अहिंसा प्रेम के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। कलिंग युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा के पुजारी बनने के साथ ही वो बौद्ध धर्म का कट्टर प्रचार भी बन गए थे। कलिंग युद्ध के बाद महान सम्राट अशोक का साम्राज्य विस्तार के नीति खत्म हो गई। इस समय युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपनी समस्त समाधान प्रजा के हित में लगा दी और बाद में सम्राट अशोक ने दूसरे देशों के साथ संबंध भी स्थापित किया एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने लगा। सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन और अहिंसा का नीति अपनाना मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। दरअसल अहिंसा के कारण मौर्य सैनिक युद्ध कला में पिछड़ने लगे जिसके चलते मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। इतिहास में कलिंग युद्ध को अपना अलग महत्व है। इस युद्ध में इतिहास पूरे कालखंड को ही परिवर्तित कर दिया था। यह भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक घटना भी थी।
इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक के जीवन के आखिरी युद्ध साबित हुआ और कलिंग पर जीत उनकी अंतिम जीत साबित हुई। युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय दया और करुणा से भर उठा। तो दोस्तों, सम्राट अशोक की छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके वो भी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।